मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र के विनेका गांव में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हट्टे सिंह के घर हुई डकैती का पुलिस ने 10 दिन में खुलासा कर दिया। रायसेन एसपी मोनिका शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर बताया कि डकैती का मुख्य आरोपी सोनू था, उसके साथ अन्य 6 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। दरअसल मुख्य आरोपी सोनू फरियादी अनिकेत का मौसेरा भाई है। दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव होने के कारण इस डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनू सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 90,000 रुपए नकद एवं जेवरात बरामद किए गए। विनेका गांव में परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर लगभग 6 लाख की इस डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं इस घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, पुलिस द्वारा जिनकी तलाश की जा रही है। हमें कुछ लोगों पर शक हुआ कि हो सकता है कि ये लोग इनके परिवार के बारे में कुछ जानते होंगे। जब उन्होंने उस फरियादी का नाम लेके पुकारा था, कुछ शंकाएं थी कुछ थी, और उसके बाद हमें लगा इतनी बड़ी घटना हुई तो रैकी तो जरूर की होगी इन लोगों ने। रैकी की होगी तो आसपास के ढाबों, आसपास के जो रास्ते में सीसीटीवी फुटेज हैं, इन सब पे घटना स्थल पे जो लोग हैं, कोई पान की दुकान है, और उस गांव से दोनों तरफ जो रास्ते जाते हैं वहां हमारी टीम काफी लगी रही, हमने पूछताछ की, और कुछ बिंदुओं के आधार पर सोनू और गोलू इनको उठाया, और विनोद और इसके साथ 2 अन्य लड़के, इन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपी हमारे फरार हैं, वो हमको नाम पता सब पता चल चुका है, उनके यहाँ दबिश भी दी जा चुकी है, भिन्न भिन्न जगह हम जानकारी भी ले रहे हैं कि वो किस समय कहाँ है। घटना में जो पैसा गया था 90,000 रुपए और जो उनके घर से जेवर गया था, एक हार है, एक मंगलसूत्र है, एक चैन है, एक ब्रेसलेट है, 4 चूड़ियां हैं, 2 अंगूठी हैं, एक घड़ी है, और इसके साथ साथ उनके घर से 2-3 पर्स गए थे, उनका कुछ आधार कार्ड, एटीएम, ये सारे हमको मिल गए हैं। घटना में प्रयुक्त कितना ही हुआ ना जब तक कर दिए।